बच्चों को मेडिटेशन जब सिखाते हैं तो बच्चे खेलना कूदना मस्ती करना यही काम होता है, तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल होता है क्या बच्चों को मेडिटेशन के बारे में बताना, समझाना, उन्हें सिखाना या उनसे मेडिटेशन कराना? सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहूंगी। जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पूछा आपने मैम। देखिए, बच्चे जो है ध्यान को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसकी पावर को भी अंडरस्टैंड करते हैं, यस, लेकिन उनको थोड़ा सा जो बैठने में जो है वो कभी कभार दिक्कत आती है, और वो कुछ एक बच्चों में, जैसे कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से लगाऊं तो अभी तक सिर्फ 10% बच्चों में ये थोड़ी सी दिक्कत आई है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि मनचले होते हैं ना, सारा दिन उनको खेलना कूदना मस्ती करना अच्छा लगता है, लेकिन जब उनको चुपचाप बिठाया जाता है तो थोड़ा सा वो बोरियत को फील करते हैं। लेकिन मैंने अपने अंदर इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जैसे हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, मौज मस्ती करना सिखाते हैं, या हम उनको और एक्टिविटीज़ में भेजते हैं, वैसे ही बच्चों को साइलेंस में बिठाना बहुत आवश्यक है। उससे क्या होगा कि उनका अपने आप के साथ जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे से डिवेलप होगा। तो इस चीज़ को हम कैसे दूर कर सकते हैं? सिर्फ एक ही रास्ता है, रेगुलर प्रैक्टिस, कि बच्चे अगर 5 to 10 minutes भी डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या होगा, वो शांत भाव से बैठना सीख जाएंगे, और जब वो शांत भाव से बैठना सीख जाएंगे तो होगा ये कि वो अपने लिए जागरूक हो जाएंगे, कैसे पढ़ना है, कैसा बिहेव करना है, और अपने आप के साथ कैसे मित्रता करनी है, बच्चे ये सहज ही सीख जाएंगे। दिन में जो एक बार बच्चे ध्यान की प्रैक्टिस जरूर करें, जो मेरे जितने भी अध्यापक जो मित्र हैं वो अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मैं उनको ये कहूँगी कि बच्चों को टेस्ट से पहले या एग्ज़ाम से पहले ज़रूर ध्यान करवाएं, और पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि जैसे बच्चों को रिलैक्स होना है या वो कहीं अपसेट है, कहीं स्ट्रेस है, तो वो उस सिचुएशन के अंदर उनको मेडिटेशन करना ज़रूर जो है सुजेस्ट करें, जिससे क्या है कि बच्चों को ये पता चलेगा कि रेगुलर प्रैक्टिस करने से, अपने विचारों को शांत करने से, अपने शरीर को शांत करने से वो कितनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ क्या करते हैं बच्चे, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं ना, और जो आजकल उनका सोने का समय है वो भी बहुत कम है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना मोबाइल पर स्पेंड कर रहे हैं। अगर हम बच्चों को एक सोने की हैबिट जो है वो तो दें ही, इसके साथ साथ हम अगर उनको मेडिटेशन की हैबिट भी दे दे तो उससे क्या होगा, उनकी बॉडी जल्दी रिलैक्स हो जाएगी, माइंड भी अच्छे से रिलैक्स होगा। और बस बच्चों को तो मैं ये सोचती हूँ कि वो हनुमान जी हैं, है ना, अगर हम उनको उनकी श्वास की शक्ति बता दें कि उनकी श्वास में कितनी शक्ति है और वो कितनी एनर्जी को अपने लिए जनरेट कर सकते हैं, तो बस वो अपने आप ही इस चीज़ को कर लेंगे। मैंने मैम ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि कई वर्षों से अपनी मेडिटेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये कोई मुश्किल नहीं है। अभी हमें लग रहा है कि शायद बच्चों को बिठाना, उनको ध्यान कराना या उनको समझाना मुश्किल है। देखिए, हर एक इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअल कॉर्नर होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे इस दुनिया के रंग में रंग जाते हैं, हम अपने संस्कार दे देते हैं, तो बच्चे जो अपनी एक सहज स्थिति होती है शांत रहने की, उसको भूल जाते हैं। उनको लगता है कि जो बाहर की दुनिया के रंग है वही इम्पॉर्टेंट है, और देखिए हम कभी बच्चों को भीतर से कनेक्ट होने का तो बोलते ही नहीं है, है ना, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखें। लेकिन अगर हम बच्चों को ये छोटे होते ही ये हैबिट दें, जब वो 5-6 years के हैं, कि शांत भाव से कैसे बैठना है, मेडिटेशन कैसे करना है, 2 मिनट कैसे रिलैक्स होना है, डीप ब्रीदिंग कैसे करना है, तो वो अपने आप ही शांत होना सीख जाएंगे। बल्कि मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक एनिमेटेड मूवी देखा, उसमें बच्चों को डीप ब्रीदिंग करना और रिलैक्स होना, आंखों को बंद करना बताया गया, और मुझे उस एनिमेटेड मूवी को देखकर बहुत अच्छा लगा कि जो छोटे बच्चे हैं, 5-6 years के बच्चे भी हैं, वो भी इस चीज़ को बड़े आराम से सीख सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि जो बच्चे एडोलोसेंस में हैं, 8-9 years के हैं, वो तो बड़े अच्छे से मेडिटेशन को समझ सकते हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स, हमें ही अपने दिमाग से निकालना है कि बच्चे ध्यान नहीं कर पाएंगे, या बच्चों को पढ़ाई में ही लगाना है, उनको मेडिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको शारीरिक तकलीफ़ें हैं या मेंटली कोई अपसेट है, उनको ही ध्यान की ज़रूरत है, ये बिल्कुल मिथ है। बच्चों को हम अभी से ही
ध्यान की जो प्रैक्टिस है वो करवानी ज़रूरी है। अगर हम देखिए अपने एशियन टाइम में जाएं, जैसे श्री रामचंद्र जी का समय था या श्री कृष्ण का समय था, उस समय वो सब गुरुकुल जाते थे और गुरुकुल में क्या था, गुरुजन पहले ध्यान करवाते थे और उसके बाद ही उनकी शिक्षा जो थी वो आरंभ होती थी। और देखिए उस समय में कोई बच्चों के पास कॉपी नहीं थी, कोई पेंसिल नहीं थी, कोई बैग नहीं था, तो वो उनका माइंड जो था वो कितना पावरफुल होगा। सो वो चीज़ें उनके अंदर कैसे आई, जब वो शांत रहना सीखे, मेडिटेट करना सीखे। सो अभी हम सब इसी प्रयास में है कि बच्चों को वैसे ही साइलेंस में हम लेकर जाएं, उसकी प्रैक्टिस करवाएं, ताकि वो जो उनका एक सहज उनकी लर्निंग कैपेसिटी है या जो मेमोरी है वो भी उनके अंदर से अच्छे से जनरेट हो। सो इसलिए हर एक बच्चे के लिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है और हर एक पेरेंट को, हर एक अध्यापक को बच्चों को ध्यान के लिए गाइड करना भी अति आवश्यक है।